नमस्कार। आज हम खरबूजे की कतरी बनाते हैं। इसके लिए चाहिए हमें इलायची, जिसके दाने हमें पीस कर निकालने हैं। 200 ग्राम खोबा है हमारा, 150 ग्राम चीनी है और 50 ग्राम खरबूजे की बीज हैं, जो कि धोकर हमने अच्छी तरह से पानी निकाल कर सुखा लिए हैं। अब आगे हम तैयारी करते हैं। कढ़ाई में हम खरबूजे के बीज डालकर इन्हें अच्छी तरह से हम भूनेंगे। और त्योहारों के टाइम पर आप घर पर ही बनाएं मिठाई, इसके लिए बहुत ही टेस्टी बनती हैं ये खरबूजे की कतरी। इनको हम अच्छी तरह से भून लेंगे। और खरबूजे के बीज में आप ऑयल के बिना भी भून सकते हैं, और थोड़ा बीच में ढक कर ही भूनें, क्योंकि ये चटकते हैं तो ऊपर आते हैं और फिर बाहर निकलने लगते हैं, इसलिए थोड़ा ढकते जाएं और गैस की फ्लेम को कम ही रखें। और लगातार चलाते जाएं, नहीं तो जल जाएंगे। देखिए अब चटकने लगे हैं और गैस को बंद कर देते हैं। अब हम इन्हें निकाल कर अलग कर लेंगे। थोड़ी देर चलाते रहेंगे, नहीं तो लग जाएंगे। देखिए खरबूजे के बीज हमने निकाल कर अलग रख लिए हैं। अब इसके लिए हम कटोरी में हमने पानी लिया है, जो कि पानी हमारा 25 ग्राम है। अब हम इसमें चीनी डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और इसे हमें तार की चाशनी नहीं बनानी, बल्कि चीनी हमें बहुत ही गाढ़ी करनी है। अगर आप चीनी डालें तो एक चमचा सिर्फ टेबल स्पून जो होता है वही पानी डालें, ज़्यादा पानी ऐड ना करें। बस हल्की सी चाशनी हमारी पिघल जाए। देखिए इस तरह से हमें होना है। अब इसमें हम मावा मिक्स कर देंगे। और अच्छी तरह से इसे हम चलाएंगे। आप बनाएं घर पर और आप बताइएगा कैसी लगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको जानकारी मिलती रहेंगी मेरी नई नई रेसिपियों की। और देखिए हम इसे खूब अच्छी तरह तक चलाना है। अब हमारा ये खोवा भी अलग सा होने लगा है। और लगातार हम इसे कम फ्लेम पर पकाते रहेंगे। देखिए बनकर तैयार है हमारी कतरी। और इन्हें काट कर रख लीजिए और फिर बाद में हम इसे निकाल कर सर्व करेंगे, क्योंकि गरम गरम काटेंगे तभी अच्छी बनकर, बाद में थोड़ा सा टाइट हो जाती हैं तो काटने में परेशानी होगी। और प्लेट में आप थोड़ा सा घी लगाकर तभी इस पर निकालें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको आने वाली नई नई रेसिपियों की जानकारी मिलेगी। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।
आप आनंद उठाएं मिठाइयों का त्योहारों के साथ, या कोई गेस्ट जब आ रहा हो तब।